अब ऐसी जब आप सीख लेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम चाहेंगे जो हम मनसब का गोल है और डिजिटल जोट पी का प्रोग्राम का असल गोल ये है कि आपको हम इनेबल करें कि आप पैसे बनाएं क्योंकि आप पैसे बनाएंगे तो आप तरक्की करेंगे आपका ख़ानदान तरक्की करेगा और अगेन ये सारा एक रिपल इफेक्ट है और अल्टीमेटली हमारा जो पाकिस्तान है वो तरक्की करेगा अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसे बनाने कैसे हैं तो so, इस टॉपिक में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप इस कोर्स के बाद वो सब काम कर सकते हैं इस कोर्स में आपने कितनी मेहनत की ये तो आपके ऊपर है मैं आपको वक्तन ये साथ फवता मैं मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको सारा बताऊं लेकिन अगेन मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये दुनिया इतनी वसी है कि आप इसको मजीद जो है वो एक और कोर्स ही बना लें तो शायद इसमें कवर ना हो और मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको करना नहीं आएगा लेकिन अगर आपने आपने ईमानदारी से अगर आपने ये स्किल सीख लिया है तो मैं आपको यह गारंटी कर सकता हूँ कि आप फ़ौरन पैसे कमा सकते हैं और तो पैसे कमाने की दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन फ्री लासिंग प्लेटफॉर्म जिसमें फ़ाइवर अपवर्क गुरु या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप पैसे कमा सकते हैं एक चीज़ मुझे जो आ, मतलब मैं और भी जगह पढ़ाता हूँ तो जो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि क्यों स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन के पीछे क्यों भागते हैं क्योंकि ऑनलाइन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन ऑनलाइन जब आप जाते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऑनलाइन में कम्पटिशन भी ऑनलाइन होता है मतलब ये कि अगर आप पाकिस्तान में समझते हैं ना कि यहाँ पर आपको कंपटीशन है जी एक जगह जॉब पे गए दस लोगों ने जाकर जॉब पे अप्लाई किया तो आपका उन दस लोगों से कंपटीशन था जिसमें से आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए आप डिजिटल पे जाते हैं अपवर के ऊपर फाइवर के ऊपर जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ दुनिया भर से लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपको कम्पिटिशन है सो आप ज़रूर जाएँ मैं चाहूँगा कि आप, आप डॉलर में कमाएं आप ऑनलाइन जा कर कमाएँ लेकिन सिर्फ ये बात गलत है कि आप फ्री आप कहेंगे जी मैंने ऑनलाइन करनी है और ऑफलाइन तो फ्री नहीं हो सकती सो so, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो लोग मिस करते हैं वो ये कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अलावा वो कुछ देखते ही नहीं है आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज यूज़ करें अगर आपको कोई सक्सेस मिलती है बिल्कुल डेफिनेटली उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है लेकिन ऑफलाइन भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अब ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कैसे होती है फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए पर्सनली क्या होता है मुझे लोग आके कहते हैं उस्मान मैंने ये मेरी मुझे टीम हायर कर दो मैं टीम हायर करने के लोगों से पैसे लेता हूँ कि भाई ठीक है आपको मैं टीम हायर करके दूंगा इंटरव्यू मैं करूँगा उनको मैं आपको राइट बंदे रख के दूंगा क्योंकि उनको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ जगह जगह वो मुझसे बार बार पूछते हैं कि अपने स्टूडेंट रेफ़र कर दो ये कर दो तो जब वो मुझसे ये पूछते हैं तो मैं उनको रेफ़र कर भी देता हूँ पॉइंट ये है कि लोगों का असल में माइंड सेट ये बैठ गया कि फ्री लांसिंग करनी है तो ऑनलाइन करनी है क्योंकि वो असल में हमें आसाइश की ज़िंदगी है बेड में बैठ के कमरे में बैठ के ट्राउज़र के अंदर ही हम जॉब्स कर रहे हैं वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल है लेकिन उसको आप अचीव करें तभी वो काम करेगा अगर आप वो चाहते भी हैं लाइफ स्टाइल लेकिन मेहनत भी नहीं करनी दोनों पैरल में नहीं चलेंगे सो so, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपको काम करना है तो अगर आप जॉब भी करें जो कि मेरा नेक्स्ट पार्ट है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो पहले जॉब करके सीख लें आपके पास वो वक्त आएगा जब आप अपनी कंपनी में चला रहे होंगे और जब मेरा आ, मेरा जो गोल होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो बताऊँ कि किस तरह से आप अपनी आ, ग्रोथ करेंगे तो तीन चीज़ें मेन हैं सबसे पहले जॉब है जॉब के बाद फ्रीलांसिंग है और फ्रीलांसिंग के बाद बिजनेस है तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब से सीखें और कोशिश करें कि जॉब इतनी सीखें कि फ्री जो कि पार्ट बिजनेस पार्ट जॉब है उस फ्री लानसिंग में आपके पास पूरी तरह से लिबर्टी नहीं होती आप फिर भी किसी के साथ काम करते हैं लेकिन आपके पास टाइम की लिबर्टी होती है आपका चॉइस की लिबर्टी होती है कि आपने किसी के साथ काम करना है आप घर बैठ के कर सकते हैं जगह की लिबर्टी होती है लेकिन फिर भी आप काम किसी के साथ ही करते हैं वो बॉस बॉस ही होता है वो चाहे पाकिस्तान में बैठा हो चाहे पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है आपको अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं पसंद आ रही आप फ्री कर लें आप ऑनलाइन लोगों के साथ काम कर लें या आप अपने बॉस को चेंज करके चार पांच बॉस से मतलब दो दो घंटे की कमिटमेंट करके आ वो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर लें वो भी चल जाएगा लेकिन जैसे ही आप फ्रीलांसिंग में आएंगे जॉब्स में आपके पास जिम्मेदारियाँ नहीं होती लेकिन फ्रीलांसिंग में आपके पास जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी वो कैसे जॉब्स के अंदर आपको क्या मिलता है कि आपको ये टेंशन नहीं होती बिजनेस कहाँ से आएगा आपको ये टेंशन नहीं होती कि सैलरी कैसे पूरी करनी है आपको बस अपने काम आपको काम दिया जाता है और आपसे काम जो है वो उसके पैसे आपको दिए जाते हैं सो बेसिकली जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं ऐसा ऐसा ग्रोथ है और अल्टीमेटली अगर आप 10-15-20 साल एक जगह काम करते रहें तो आपकी ग्रोथ होती रहती है और एक वक्त आता है कि आप डायरेक्ट्री लेवल पर भी चले जाते हैं लेकिन वो जॉब की ग्रोथ पाथ है फ्री में आपको ये नहीं कमिटमेंट होती कि आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि आप सैलरी पर नहीं है आप जितना काम करेंगे आपको उतने पैसे मिलेंगे अब वो कितना काम करेंगे वो आपके ऊपर है कि आप दिन में दो घंटे लगाना चाहते हैं या दिन में बीस घंटे लगाना चाहते हैं इसमें ये आपको लिबर्टी है जॉब में आपको ये लिबर्टी नहीं है वो नौ घंटे ही देंगे आपको आप नौ से बीस घंटे भी लगा लें उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन आप बेशक अपनी मर्ज़ी से लगाना है तो आप लगा दें तो so, इसके बाद मतलब फ्रीलानसिंग में आपने बिजनेस भी खुद लेके आना है आपने अपनी सैलरी भी खुद निकालनी है आपने सेल्फ डिसिप्लिन भी अचीव करना है सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके फिर फायदे भी हैं फ़ायदे ये कि आप पैसे भी डॉलर में कमा सकते हैं आप अपनी मर्जी से काम स्केल कर सकते हैं आप अपने बंदे रख के आप फ्री जॉब्स करके आप साथ अपने बंदे एसोसिएट रख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके फायदे हैं लेकिन तीसरी चीज़ फिर बिज़नेस है तो मैं चाहूँगा कि आप एक वक्त आएगा जब आप फ्रीलांसिंग इतनी कर लेंगे कि आप अपनी कंपनी बनाएंगे और अपनी कंपनी में लोगों को रखेंगे लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस चलना चाहिए कुछ लोग डायरेक्ट जंप करते हैं जॉब से बिज़नेस में कोई हर्ज नहीं है लेकिन बिज़नेस सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि उसमें बिज़नेस लेकर भी आपने आना है और आपके ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ की ज़िम्मेदारी भी होगी आपने अपना रिजल्ट तो कमाना ही है आपने उनके लिए भी वो वसाइल खड़े करने हैं आपने जो है अपनी कंपनी चलानी है आपको अपनी कंपनी का ए भी ठीक करना है आपको अपनी कंपनी का नलका भी ठीक करना है और आपको अपने क्लाइंट से भी बात करनी है कोई क्लाइंट नाराज़ हो गया उसको भी देखना है कोई आप पे केस करता है तो आपने उसको भी झेलना है ये सारी चीज़ें फिर आपके उसमें बिज़नेस में आ जाती हैं अगर आप रेडी हैं तो आप बिसम्ला आप जाएँ लेकिन अगर आप नहीं रेडी हैं तो आप जॉब करें लेकिन करें मेन काम है नीयत से करें जो भी करना है आपने ऑनलाइन करना है आपने ऑफलाइन करना है आप फिलानसिंग करें आप जॉब करें कोई हर्ज नहीं है अगर आपको काम नहीं आता तो आप जाएं किसी के पास जाके सिर्फ इतना कह दें कि सर मुझे काम मैंने सीखा है मैंने कोर्स किया है और मुझे इतना आता है लेकिन मुझे अभी पूरी तरह नहीं आता ठीक है नहीं आता मैं सीखना चाहता हूँ आप एक महीना मुझे दें आपको लगेगा मैं अच्छा हूँ तो मुझे आप इतनी सैलरी दीजिएगा जो आप बाकी को देते हैं अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊँगा किस बिजनेस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी अगर आप जाके अपने आप को पिच ऐसे करेंगे कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए मैं काम करने को तैयार हूँ आप मुझे यू यूटिलाइज़ करें अगर आपको नहीं समझ आती आप मुझे सैलरी मत दें मैं कहीं और जाके अपना मैं अपना खुद ही बोरिया बिस्तर उठा लूंगा कोई अक्लमंद बंदा आपको नहीं जाने देगा अपने पास से अगर आप ऑनेस्टली काम करते हैं लेकिन हाँ जॉब जॉब होती है मैं ये चाहूंगा कि आप फ्रीलांसिंग भी करें आप से ग्रो करें लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप फ्रीलांसिंग के चक्कर में अपना बेड़ा गारा किस तरह से कर लें कि आप फ्रीलांसिंग भी ना करें और आप जॉब भी ना करें क्योंकि अक्सर लोगों का मैंने सिर्फ ये कहते देखा है कि हाँ मैंने अप्लाई किया हाँ मैंने ये किया वो दिन में पचास डॉलर कमा लेते हैं बाकी पूरा महीना फ्री बैठे रहते हैं तो एक वक्त में आप सौ भी कमा लेते हैं लेकिन क्या कंसिस्टेंसी है क्या वो आप टाइम उसको डेडिकेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी हैं इसमें चैलेंजेस भी हैं लेकिन इसमें फ़ायदे भी हैं तो जॉब्स के लिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ आपके पास फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन भी हो सकती है ऑफलाइन भी हो सकती है आपके पास जॉब्स अवेलेबल हैं जॉब्स भी फ़ुल टाइम जॉब्स भी ऑनलाइन हो सकती हैं अगर आपको लोकल फिज़िकल जॉब नहीं पसंद तो आप ऑनलाइन कर लें किसी से बात करें उन्हें कहें जी मैं घर बैठ के काम करूँगा बहुत सारी कंपनी है बाहर के मुल्कों में जो वहाँ अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं एम्प्लॉयज़ को वो पाकिस्तान में हायर करते हैं उनसे वो आपको ऑफिस भी देंगे वो आपको जगह भी देंगे आपको सिर्फ ऑनलाइन होना है उतने टाइम के लिए जितना टाइम आपको वो कहेंगे सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जॉब्स अवेलेबल हैं अगर कुछ भी नहीं होता तो बिज़नेस तो है ही लेकिन अगर आपसे बिज़नेस अकेले भी नहीं होता तो कोई हर्ज नहीं है किसी दोस्त को मिलाएं साथ रिजक मिल के बांटेंगे ना तो वो बढ़ेगा आप किसी दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप करें और उसके साथ बैठ के उन्हें कहेंगे ठीक है मेरे पास एक स्किल है मैं ऐसी कर सकता हूँ तुम डेवलपमेंट कर सकते हो क्यों नहीं मिलकर हम एक कंपनी बना लेते हैं जो कि डेवलपमेंट भी करेगी ए भी करेगी फिर आप एक और बंदा भी पकड़ सकते हैं तो दो लोग ऐसी कहेंगे एक तुम बिजनेस पकड़ के लाओ मैं ए करवाता हूँ या मैं खुद करता हूँ तो हम इसको मिल चलते हैं तो ये जब ये जब हमारे शहूर पैदा होगा हमारे पाकिस्तानी इवाम के अंदर तब हम हैं एक खुशहाली की तरफ जाएँगे जो बिज़नेस है उसको गनीमत जाने उसमें यकीन बेहतरी की कोशिश करें और बेहतर करें लेकिन अल्टीमेटली जो हाथ में है उसको छोड़ के उसको घटिया समझ कर उसको उस उस चीज़ की ख्वाहिश करें जो अभी आप अचीव नहीं कर सकते हैं तो हमें हमेशा रिज़ल्ट पसंद आता है लेकिन उसके लिए हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं आपको शायद लगता है कि आपके जो ट्रेनर्स हैं वो पता नहीं कितने कमा रहे हैं वो टॉप रेटेड हो गए हैं उनकी हंड्रेड थाउज़ेंड से ज़्यादा जो है अर्निंग्स हो गई हैं लेकिन उसके पीछे उनकी एक हिस्ट्री है अगर आपको वो रिज़ल्ट पसंद है ना तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे और आप आपका चैप्टर नंबर वन किसी के चैप्टर नंबर टेन से कंपेयर नहीं हो सकता आपने आज स्टार्ट किया है उसने दस साल पहले स्टार्ट किया था उसको फॉलो करेंगे बिल्कुल आप करें उससे बेहतर भी कर सकते हैं उससे ज़्यादा जल्दी भी कमा सकते हैं लेकिन शॉर्टकट ना लें क्योंकि शॉर्टकट लेंगे तो आप फंस जाएंगे